गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बजे हैं 5:30। हम उठ गए हैं और देखिए यहाँ पे सुबह 5:30 बजे सामने के पहाड़ों पे सूरज की धूप पड़नी शुरू हो गई है। ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़ों पे इस प्यारी सी सुबह के साथ आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर द लैंडस्केप पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सुबह के 7:45 हुए और हमारे कमरे में आ गई है धूप। सूरज आ गया है, हमारे कमरे में बिल्कुल धूप आ चुकी है। विंडो खोल के हमने आपको दिखा दिया है और सभी उठ चुके हैं, सिर्फ निहित बाकी है। बाकी सब तो नहा लिया है, हमारे भी कपड़े रखे हैं। अभी मेरे को भी नहाने जाना है, फटाफट नहा के चलते हैं अगले सफर पे। और ये देखिए, हाँ, क्या खुशबू, बहुत फ्रेश फील हो रहा है यहाँ तो। और यहाँ मेरी चल रही है अभी, वीडियो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ क्योंकि स्टोरेज हो चुका है आईफोन का फुल, अभी वीडियो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आईफोन में और कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा भाई। थोड़ा 128 GB है तो दिक्कत आती है। अभी ये ट्रांसफ़र फिल करा हुआ। लो जी, सुबह नहा के हो गया तैयार, अब एक नई ट्रिप को पीछे डुकू। डुगू की आ गई है पीछे सेंसर बोर्ड में, पास नहीं होगी। क्यों भाई, चलो अब चलते हैं नीचे, चाय वाय लेते हैं, सब हो रहे हैं तैयार। नहीं डुगू की नहीं जी, इस टाइम हम हैं, देखिए टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है अभी 2 डिग्री है और रात गया था -1 तक। बहुत ठंडा है यहाँ पे पर अंदर काफ़ी अच्छा है, इंजॉय कर रहे हैं सब, चाय वाय पी ली है और अभी चलने की तैयारी है। प्लानिंग हो रही है आगे का, क्या प्लान करना है। तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं, अभी हम जा रहे हैं कहाँ, श्रृंखला पास के लिए निकले हैं। और ये हमारे जो है आगे गाड़ी है हमारे गिल सर की, इनका चैनल का नाम है गिल्स एडवेंचर्स। और अभी यहाँ से निकले हैं भाई, चढ़ाई बहुत है, अभी उतरने में भी उतना ही जो है जोर लगता है, उतनी आराम से उतारनी पड़ती है, स्पीड से नहीं उतार सकते। ये देखिए बड़े ही आराम आराम से उतार रहे हैं क्योंकि मोड़ भी है। टांडी रह गया यहाँ से 20 किलोमीटर, टांडी के बाद हम जाएंगे कहाँ पे नाश्ता करना है हमें, दारचा। देखिए बर्फ पिघल के कितना व्हाइट पानी आ रहा है, बिल्कुल कैसा लग रहा है जैसे ऊपर से दूध बहा दिया हो किसी ने, गजब नजारे तो यहाँ जबरदस्त है। मतलब आप देखते रहो, हर जगह अलग नजारा मिलेगा, हर जगह हर मोड पे अलग नजारा। और बादल भी बिल्कुल नीचे हैं आज। हाँ बादल भी नीचे, प्रेडिक्शन है ना जो उसकी बारिश की, बारिश हो सकती है आज। तो चलिए मिलते हैं आगे आपको, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए दोस्तों। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं शायद, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है उससे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आपको आगे दारचा में, और व्यू देखिए। हाँ साथ के साथ व्यू देखते रहिए, व्यू जबरदस्त है यहाँ पे। तो ये आपको नहीं आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाएंगे कहाँ पे, और भी आपके लिए बहुत चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो आपको वीडियो आगे आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगी। रोड देखो भाई, बीआरओ ने कितने पत्थर काट काट के रोड को कितना चौड़ा कर दिया है, गजब बना दिया रोड तो।
ना पत्थर साइड में ऐसे लग रहे हैं, बिल्कुल कहीं उनके नीचे से जा रहे हैं। भाई कितना आसान कर दिया है रास्ते, पहले बोलते थे बहुत ही मुश्किल था यहाँ से जाने, अब तो इजीली जा रहे हैं बिल्कुल जैसे प्लेन में जाते हैं, तो प्लेन रोड पे जैसे जाते हैं हम लोग अपने उधर एरिया में, नॉर्मल ऐसे ही रोड बना दिया है। यहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया है, यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कई जगह लैंडस्लाइड एरिया है, पत्थर गिरते रहते हैं वहाँ पे, थोड़े छोटे छोटे कई बार बड़े भी आ जाते हैं और नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ पे रुकना जो है गलत है, रुक नहीं सकते, कुछ लोग रुक जाते हैं और वो गलत है, देखो सारे ये गिर रहे हैं जो है, और ये इसमें कई बार बड़े पत्थर आ जाते हैं, नुकसान तो छोटे पत्थर भी पहुँचा सकते हैं, साथ साथ नदी चल रही है। जो जी हम रुके हैं यहाँ कांडी के पास ही जो है डीजल फिल कराने गाड़ी में, तो यहाँ पे देखो ये बेड़े, देखो बेड़े चल रही हैं ऊपर, कैसे खड़े पहाड़ पे भाई बेड़े ऊपर चढ़ रही हैं, गजब है देखो जा रही है, और उनके साथ साथ ये आदमी भी जा रहे हैं, इनको भी क्या हैबिट हो रही है भाई, हम तो हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं डीजल भरवा के चलते हैं आगे। और भाई यहाँ यूपी से आए हुए थे मिले, इनकी गाड़ी जो है पंचर हो गई थी, हवा बिल्कुल निकल गई थी, तो हमने जो अपना पंप दिया इनको, अभी थोड़ा इनका हवा भरी है लेकिन पंचर है इसमें, तो थोड़ी दूर आगे किलोमीटर आगे पंचर की दुकान है, तो वहाँ पे अभी पंचर बनवा लेंगे। भाई ऐसे ही हमारा रहता है मोटिव कि जो भी अगर किसी की हेल्प हो सके तो वो हम करें, रास्ते में कोई भी परेशान ना हो भाई, मिले सबको हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, कहीं भी कोई ऐसे फंसा हो किसी भी कंडीशन में हो तो उसकी हेल्प जरूर करें। लो जी हम क्रॉस कर रहे हैं टांडी ब्रिज, ब्रिज बड़े सुंदर बने हुए हैं, पानी बहाव बड़ा तेज है नदी का, रोड इज रिस्की टेक ए सेल्फी। तो भाई इधर पेड़ अभी बहुत कम होते जा रहे हैं, और अभी हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, टांडी तो हमने क्रॉस कर लिया है, टांडी के आगे है केलोंग से आगे, हाँ केलोंग से आगे आ गया, और ये देखो जिस्पा पहुंचने वाले हैं, अभी हम 10 किलोमीटर रह गया है यहाँ से जिस्पा, और पहाड़ों पे देखो अभी पेड़ बहुत ही कम हो गए हैं, तो ऑक्सीजन भी यहाँ से आगे थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, जिस्पा में जाके देखते हैं कैसा है, बहुत ही इधर तो बिल्कुल ही नहीं है माला, लो जी हमने एंट्री कर लिया जिस्पा में, ये है जिस्पा, और यहाँ तो पहाड़ बिल्कुल भाई पेड़ ही, इस साइड वालों पे तो बिल्कुल भी पेड़ ही नहीं है, यहाँ तो दिख रहे हैं थोड़े बहुत नीचे है पेड़ बस, पहाड़ों पे तो बहुत ही कम है, जिस्पा भी छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा तो नहीं, नीचे कैंप्स बहुत सारे हैं यहाँ भी, नदी भी नदी के किनारे हैं सारे, बहुत सारे हैं यहाँ पे भी, मतलब अच्छा है और लैंडिंग के लिए कर सकते हैं जिस्पा में, यहाँ है बहुत सारे पेड़, यहाँ आया थोड़ा सा जंगल सा, आगे भी बहुत बता रहे थे हमें वो कहीं जंगल भी मिलेगा हमें, दार्चा के आगे, चलो अच्छा है मिल जाए जंगल, हम करेंगे जंगल में मंगल, बनाएंगे नाश्ता, बनाएंगे हम दार्चा पहुंचने वाले हैं लगभग, बस पहुंच गए, ये बिहार का माइलस्टोन यहाँ लोहे का पुल बना हुआ है, गजब एकदम भाई, बहुत बड़ा पुल है, कब बना ये श्री राजनाथ सिंह ने इसका किया है 2020 में ये बनाया पुल, वाव भाई, कुछ ना मानो ना मानो बीजेपी की गवर्नमेंट काम बढ़िया कर दिया भाई, रोड इतने अच्छे बना दिए हैं, बहुत ही गजब, और ले जैसे इधर जाने इनके रास्तों में अच्छे रोड बना दिए, इतने बढ़िया रोड और क्या ले, अभी हमें यहाँ से इधर चढ़ना है ना कि
ये क्या आ गया? दारचा ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा जी, तो जी ये भी एक इंफॉर्मेशन मिली है कि ये है हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है। वाकई में दारचा, तो अभी हमें यहाँ से जाना है श्रृंखला पास, ठीक है? 600 मीटर आगे से हमें रंग लेने का। ये देखो भाई दारचा से, ये दारचा ब्रिज कितना सुंदर यहाँ से दिखाई दे रहा है, बहुत ही गजब। और नदी में देखो कितनी सारी धाराएं बन रही हैं, अलग 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 छोटी 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 छोटी। ये रोड नीचे जाके वहां पे खत्म हो रही है, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे। हम उधर से आए हैं, वहां से घूम के यहाँ ऊपर, और यहाँ से नजारे बड़े सुंदर हैं। ये देखिए आपको रास्ते में रुक रुक के हम ऐसे ही नजारे दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वीडियो को लाइक करें, और अपने कमेंट्स करके बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। लो जी, यहाँ से हमारा प्लान था आगे जाने का श्रृंखला पास, लेकिन श्रृंखला जो है बंद है, श्रृंखला टॉप बंद है। बंद इस वजह से है क्योंकि इन्होंने बताया, मैं यहाँ पूछा तो ओडीवन चला है, आज ट्रैफिक ऊपर से आएगी और नीचे से कल जाएगी, यहाँ से ऊपर कल जाएगी। और हमें बोला गया है कि आप बारालाचा जा सकते हैं, तो यहाँ से ये ऊपर को बारालाचा जा रही है, ये श्रृंखला पदम को जा रही है। तो अभी भाई चेंज करना पड़ रहा है, हमें ऊपर जाना पड़ेगा अभी अपना बारालाचा। चलो तो अब बारालाचा चलते हैं, प्लान में चेंज हो गया है भाई। इधर आके ये नहीं पता लगता कब आपको अपने प्लान चेंज करने पड़े, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी आपको अपने प्लान में चेंज करना पड़ सकता है, जैसे हमारा अचानक यहाँ आके चेंज हो गया। तो अभी बारालाचा चलते हैं भाई। हाँ बारालाचा ही चलते हैं फिर। ये देखिए सारे ये बाइकर्स भी मुड़ के आ रहे हैं, ये भी श्रृंखला की तरफ पदम की तरफ नहीं गए।